क्यों कर रहा है वो? करने मैं ऐसा क्यों कर कह रही हूँ आपके साथ ऐसा? भैया मैं खुद नहीं जानती, मुझे इतनी सुनसान जगह पे बुला लिया उसने। तो आपके साथ मतलब ऐसा क्यों कर क्यों रहा है वो? ये लो। ओए ओए रुक, ओए ओए, तो लड़की को कहाँ लेके जा रहा है? लड़की को ये कौन थे मैडम? आपको क्यों ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे आपके साथ? भैया मैं वहाँ से रास्ते से आ रही थी, इन लोगों ने अचानक से मेरी साड़ी वाड़ी सारी फाड़ दी। साड़ी वाड़ी? हाँ मैं वहाँ से जा रही थी, इन लोगों ने अचानक मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, ये मतलब कौन थे? ये थे कौन? ये मेरे इधर आज यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, आप बैठो यहाँ पे बैठो आप। ये मतलब ऐसा आपके साथ क्यों कर रहे थे? ये मेरे बॉयफ्रेंड के फ्रेंड थे, मैं उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। आपको यहाँ पे चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ पे लग गई है थोड़ी सी। पहले हॉस्पिटल ले चलो। आप ये बताइए मतलब ऐसा क्यों कर रहा था पहले एक बार? मुझे उसने मिलने के लिए बुलाया था, एक्चुअली मैं मिलने आई थी उससे, तो उसका फ्रेंड भी था आगे बैठा जो बाइक चला रहा था, वो मेरा बॉयफ्रेंड ही था। वो आया मेरे से मिलने आया, उसने मुझको बोला कि साड़ी वाड़ी पहन कर रही हो, मैं साड़ी पहन कर आई थी, तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती से कर रहा था, मैं नहीं जा रही थी। तो उससे शादी करने वाले थे आप? मैं शादी करने वाली थी उससे, मेरी फैमिली अलाउड नहीं कर रही थी शादी के लिए, बट मैं शादी करना चाह रही थी। मतलब आपकी फैमिली नहीं मान रही उसके साथ शादी करने को? मान रही थी एक्चुअली, बट मैं शादी करने, बट अब मैंने देख लिया वो बहुत बदतमीज है। तो ये उसके पीछे कौन बैठा था? वो उसका फ्रेंड था, वो सब चीजें देख रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। क्या नाम है आपके बॉयफ्रेंड का? क्या नाम था जो मुंह बांध रखा था? वो आपका बॉयफ्रेंड था? रमेश नाम है। जो मुंह बांध रखा था। अब पीछे वाले लड़के का क्या नाम था, उसको जानते हो आप? उसको मैं ज्यादा नहीं जानती, बट उसने यही बोला था कि ये मेरा फ्रेंड है। अच्छा तो ये मतलब आपको कहाँ से कितने दूर से लेके आ रहे हैं आपको? मैं ये यहाँ पे आई थी, थोड़े आगे इधर पता नहीं क्या था, रोड था उधर पे ही बुलाया था इसने मेरे को, वहाँ शुमशान सी रोड थी, मैंने इसे पूछा था यहाँ क्यों बुलाया है। अच्छा। यहाँ पे बुलाया उसने मुझको, यहाँ से फिर उठा के मुझको यहाँ जबरदस्ती लेकर आया था। मैंने बोला कि मेरे को नहीं जाना है, इसने जानबूझ के मुझे यहाँ बुलाया। अच्छा एक बात बताओ, ये मतलब इससे पहले भी इस तरह की हरकतें आपके साथ कभी किया है? ऐसा कभी नहीं किया, अभी मैंने इसको मतलब कि हमारे रिलेशनशिप को इतना टाइम वाइम नहीं हुआ है, बट यहाँ पे है मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने इससे शादी के लिए भी बोला था, मैं प्यार करती हूँ उससे। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है वो? मैं ऐसा क्यों कर कह रही हूँ आपके साथ ऐसा? भैया मैं खुद नहीं जानती, मुझे इतनी सुनसान जगह पे बुला लिया उसने। तो आपके साथ मतलब ऐसा क्यों कर क्यों रहा है वो? भैया मुझे पता होता तो मैं खुद ही नहीं आती यहाँ पे। मैं कैसे घर जाऊंगी, इतनी मेरी साड़ी फाड़ दी। साड़ी आपकी कहाँ गिराई थी? भैया वहीं पे गिरी है मेरी। कहाँ पे? मेरी साड़ी वहीं पे गिरी है। एक वो फटी वटी हो जैसी भी उसको ले आई है। मैं एक मिनट में ले आता हूँ साड़ी ले। ये रही लड़की की साड़ी, ये तो पूरा फाड़ दिया है इसने, दोनों ने मिलके फाड़ दिया है पूरा ये तो। ये लो यार एक बात बताओ, ये सब तुम्हारे साथ कर रहा था, तुम भी फिर भी उससे मिलने गई थी? भैया मेरे को नहीं पता था, उसने मुझे जिस बहाने से बुलाया था मैं यहीं पे ही आई थी। बैठ जाओ आराम से, यहाँ पे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। घर रहते कहाँ पे? मेरे को मिलने के लिए बुलाया। रहते कहाँ पे हो आप? मैं परेशान मत हो, पहले ना अब ये पहले आपको मैं घर पे लेके चलूंगा, पहले अपने कपड़े अच्छे से पहन लेना, दूसरे साड़ी पहन के तब घर जाना, इस तरह मत जाना। रो मत, मैं बोल रहा हूँ ना, रो मत, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसा बंदा था, शुक्र हुआ भगवान ने ये दिन दिखा दिया, कम से कम पता ऐसा है। मेरी फैमिली सही बोल रही थी वो लड़का ठीक नहीं है, बट उसने मेरे साथ गलत करने के लिए सोचा उसने। यार एक बात बताओ, तुम 5 महीने का रिलेशनशिप हुआ उससे यहाँ पे मिलने आ गई और ये चीज़ें तुम्हारे साथ मतलब कर दिया। मान लो अगर मैं नहीं आता, चाहे मैं वहाँ पे, ये तो शुक्र है मैं दुकान पे खड़ा था, जब देखा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है मैंने बाइक लेके आ गया। मान लो यहाँ पे कोई नहीं आता, फिर अगर आपके साथ कुछ हो जाता फिर क्या करते? मान लो कुछ आपके साथ हो जाता फिर क्या करते आप ये बताओ?
क्या नाम है आपका? इधर खड़े हो, चुपचाप इधर खड़े हो जाओ। खुशी है, हैं? खुशी नाम है आपका। अच्छा एक बात बताओ, ये सब चीजें आपके साथ कब से हो रही हैं? आपके घर वालों ने नहीं समझाया कि बेटी ऐसे ये चीजें हैं, ये है वैसे है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में, बट आज ये करने के मौके में था, मुझको लेके जा रहा क्या रहा था, क्या क्या रहा था, मुझे बोल रहा था मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, हम लोग रिलेशन में, तो ये सब चीजें अच्छी होती कि रिलेशन में फिजिकल होना। उसने बोला, मैंने मना किया कि शादी के बाद करेंगे जो भी करेंगे। वो फिर मेरे को यहाँ पे जबरदस्ती उठा के लेकर आ गए और मेरी साड़ी वाड़ी भी फाड़ दी उसने। एक चीज बताऊं, मतलब यार ये बंदे मतलब ऐसे कैसे कर देता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भैया आपके सामने तो करते करते बच गई, अगर आप ही नहीं होते तो। एक सुकर है, एक लड़का कैमरा चला रहा था, एक बताओ हो रहा था ना, तो एक कैमरा हमने लगा दिया था। जब ये चीजें आपके सब जब वहां से लेके आया था दुकान पर से, जब मैंने देखा ना, तो एक छोटा सा कैमरा होता, वो जो लड़का वो लेके खड़ा है ना, छोटा वाला, छोटा सा कैमरा ले रखा हाथ में, देखिए वो छोटा सा कैमरा ले रखा है, वो कैमरा चल रहा है इस टाइम, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। उन सब लड़कों की ना पूरी फोटोज वीडियोज आई हैं आपके साथ जो भी यहाँ पे किए हैं सब। तो आप अगर बता कहना चाहोगे तो बताओ, उन पे खिलाफ केस हो सकता है? अब उस भी यहाँ पे जिस तरह वो लेके आया ना तुम पे, उस तरह केस हो सकता है? अब ये बताओ, करना चाहोगे वो वीडियो आपको दूं मैं? बिल्कुल करना चाहूंगी, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। केस करोगे? मैं करूंगी। अपने पहली बात तो उसके घर का पता लगाओ कि वो रहता कहाँ पे है, ठीक है? फिर उसके बाद से वो वीडियो उसके घर पे भेजो कि देखो लड़की को कैसे उठा के लेके आ रहा है, जिसके कपड़े पूरे फटे छिटे हैं, और इसी तरह मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी मतलब शर्म आ रही है ना बताने में, वो कैसे मतलब यार इंसान कैसे कर सकता है ये सब चीज़ें एक इंसान। भैया मैं घर कैसे जाऊँ अभी सालत में? कोई ना, पहले आप साड़ी पहन लो अच्छे से, ठीक है? फिर उसके बाद से ऐसे ही मतलब लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, वीडियो भी बना रहा हूँ, डाल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये चीज़ें आपके भलाई के लिए ही हो रही थी। मैंने देखो, मैं आपको क्या पता आप क्या कर रहे हो, आपको उसका क्या रिलेशन था, आप गलत हो कि सही हो, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने पहले कैमरा लगवा दिया, इसलिए मैं आपकी मदद किया, ठीक है? यार मैं क्या बताऊँ, मतलब यार कैसे कैसे लोग रह रहे हैं आज टाइम पे। भैया मेरे को पता होता मैं नहीं आती यहाँ पे, और भैया थैंक यू। ये बात तुम्हारे, आज सोचो तुम्हारे साथ अगर कुछ हो गया रहता, तुम्हारे घर वालों को ये बात पता चलता, उन पे क्या बीतती? बहुत कुछ बीतती। भैया थैंक यू सो मच, आपने आई मेरी हेल्प की, आप मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं आज तो मरी जाती अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। कोई नहीं, चलो मैं आपको ना घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? परेशान मत हो, ठीक है? आप बताओ घर कहाँ है पहले तो, चलो पहले साड़ी कहीं पहन लो, ठीक है? कहीं अच्छी जगह थोड़ा देख के साड़ी पहन लो अच्छे से इसको, फिर उसके बाद से बैठो बाइक पे, मैं आपको घर छोड़ता हूँ। सारी चीज़ें अपने घर पे बताना कि मम्मी मेरे साथ ये हुआ है। पापा घर में कौन कौन रहता है आपके? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, एक भाई है। अच्छा, तो उनको चीज़ें बताना कि मेरे साथ ये हुआ है, बकायदा ये वीडियो मैं आपको दूंगा, वो वीडियो उनको दिखाना, और उस बंदे के ऊपर करो खिलाफ केस जिस बंदों ने ये किया है। उसने मेरे साथ गलत करने के लिए सोचा, उसने मेरे को इतनी सुनसान जगह पे लेकर कुछ गलत तो मतलब अभी नहीं किया है ना कुछ, अभी आपके अभी साथ गलत नहीं किया। भैया अभी आप ही नहीं आते मेरे साथ हो जाता गलत, यहाँ पे दो दो लड़के थे, मैं कैसे अकेले जाती यहाँ पे? यार कोई ना, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नया नाम है ना? कोई दिक्कत नहीं, खुशी नाम है। खुशी, आपको कोई दिक्कत नहीं है? खुशी मैं ना आपको छोड़ देता हूँ आपको घर तक। आपका घर का यहाँ पता है कि मतलब घर कैसे रास्ता? मेरा घर ना अभी 3 किलोमीटर ही आगे है यहाँ से। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, परेशान मत हो, ठीक है? लेकिन आइंदा किसी से भी मिलने जा रहा हो अपने घर पे इन्फॉर्म किए थे, घर पे बताया थे कि मैं यहाँ मिलने जा रही हूँ? मम्मी को नहीं बताया था, मम्मी नहीं आने देती मुझको यहाँ। उनको झूठ बताया था? मैंने बोला फ्रेंड के घर जा रही थी। यार एक बात बताओ, इस टाइम पे हो क्या गया है लोगों को ये बताओ? अगर कुछ हो जाता तो घर वाले तो यही जानते ना, दोस्त के घर पे गई है। उसका नंबर है लड़की का? फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा फोन उसने वहीं फेंक दिया है अभी। वहीं फेंक दिया? कोई नहीं, परेशान मत हो, घर पे आपके कॉल कर दो पहले आपको। चलो घर छोड़ दो, एक बार आगे चलो थोड़ा सा। गाइस आप लोगों ने देखा इस लड़की के साथ मतलब क्या ही हुआ। मैडम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? इनका खुशी नाम है, कितने साल के हो मैडम आप? मैं 21 साल की। 21 साल की लड़की है, और इसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था जिन्होंने इसको गलत काम करने के लिए बोला, उन्हें को बोला, लड़की ने बोला मैं शादी के बाद दूंगी, ये सब करूंगी, शादी के बाद ही ये करूंगी, यही बोले थे ना आप? तो उसको लेके इस लड़की को जबरदस्ती करने की कोशिश किया, जबरदस्ती उठा रहा था, इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, यहाँ तक कि दोस्त ने भी इसके जबरदस्ती करने की कोशिश किया। जब ये लड़की ने नहीं माना तो इसके कपड़े उपड़े फाड़ दिया, सुनसान इधर जगह लेके आए थे, वहाँ पर देखा था मैंने, काफी दूर से देखा था इसको, लड़की को जबरदस्ती इधर लेके आ रहे थे ये, बार बार उसको पीछे वाले लड़के को मार रही थी, मैं देख रहा था।
अब ये चीज़ें बताओ, इससे अब इस लड़की के साथ बताओ, मतलब अगर कुछ हो ही जाता, भगवान तो शुक्र से कुछ हुआ नहीं, अगर कुछ हो जाता तो फिर इसके माँ बाप पे इससे क्या बीतती लड़की पे? कहीं जितना हो सके वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, गलत किया सही किया कमेंट करके बताना। इस लड़की को लेके जा रहा हूँ पहले घर, और उस बंदे के खिलाफ क्या होगा ना वो अगली वीडियो में वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को मेरे भाई, जितना हो सके ना वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, कि आगे से किसी लड़की के साथ इस तरह कोई हरकतें ना करे। तो अगला पार्ट भी इसमें मैं दिखाऊंगा कि अगर कोई लड़की के साथ गलत करता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर कोई लड़की के साथ गलत करता है ना तो उसके साथ ऊपर क्या बीतेगी ना उसको पता चल जाएगा उसके साथ। अभी देखो इतना बुरा करूँगा ना मैं, जिस तरह लड़की को लेके आया लेके